राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रसिद्ध स्थान आशावरा माता का मंदिर। ये स्थान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की मेवाड़ की पावनधरा के समीप बदेसर उपखंड क्षेत्र में स्थित है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष शारदीय नवरात्रा में माता का 9 दिन का मेला लगा है। इस मेले में दूर दराज से भक्त श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यह ऐसी मान्यता है जो लोग लकवा पीड़ित व्यक्ति आशावरा माता के दरबार में श्रद्धा से मत्था टेकते हैं। यहाँ कुछ दिन माता रानी के शरणागत रहते हैं। माता रानी उनकी पुकार सुनती है व उन्हें ठीक कर लेती है। यही नहीं, माता रानी के निलाए हुए पानी उनको पिलाया जाता है और भक्त जल्द ही ठीक हो जाते हैं। इस माता के मेले में 9 दिन तक भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। माता की आरती का समय प्रातः 5 बजे और सायं 6:30 बजे आरती होती है। इस आरती में लकवा पीड़ित व बीमार व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। इन जिनकी पुकार माता रानी सुनती है। इसके पास एक पूर्व दिशा में तालाब है, जिसकी ऐसी मान्यता है कि इस तालाब में लकवा पीड़ित व बीमार व्यक्ति को नहलाया जाता है। व्यक्ति ठीक हो जाते हैं, लकवा पीड़ितों का लकवा दूर हो जाता है, भक्त श्रद्धालु का दुख भी दूर हो जाता है, परिवार को मन की शांति मिलती है। माता रानी का मुंह पूर्व दिशा में है और यहाँ भक्त लोग मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं। मंदिर में बाहरियाँ बनी हुई है जिसमें भक्त लोग और बीमार व्यक्ति रहते हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल में जवाब दे देते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं है, परंतु लोग देश विदेश से यहाँ आकर 9 दिन तक माता रानी के शरणों में रहते हैं, जिनसे उनका लकवा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। माता रानी उनकी पुकार सुनती है और उन्हें ठीक कर देती है। बच्चा है वो क्या है कि मतलब पूरा शरीर उसको पैरालिसिस में रह गया था, काफी मतलब बिल्कुल सुधार हुआ है, 101% सुधार हुआ है। अभी मेरे पास में खड़ा है, 6 महीने पहले इसकी हालत वो हो गई थी, मतलब चलने उठने बोल भी नहीं पा रहा था। यहाँ पे लाने के बाद में बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे स्टाफ भी पूरा ध्यान देता है, सहयोग करता है और खाना भी मिलता है। यहाँ पे नहाने धोने की व्यवस्था कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, पूरा मतलब सारी व्यवस्था सही साठ है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सर दिलीप कुमावत निम्बाड़ा। हमने 14 अप्रैल 2021 को वैक्सीन लिया था, कोविशील्ड वैक्सीन। उसके बाद इसको 21 अप्रैल को बहुत बड़ा ब्रेन हेमरेज हुआ, हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी, डेथ सर्टिफिकेट पे सही हो गई थी मेरी। उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट करके वापस इसको मतलब जान डालने की कोशिश की और हमने वहाँ लिया कि आवरी माता जाएंगे तो मेरी पत्नी को जल्दी ठीक होगा। ये मेरा तीसरा चक्कर है, पहले चक्कर में ही ये करामात हुआ, पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई थी 100%। ये चल फिर ये सोच इसको याददाश्त भी चले गई थी, बोलना बंद हो गया था। अब ये 6 महीने के बाद इस पोजीशन पे आई है। यहाँ तीसरी बार लेके आने के बाद हमारे पीसेस की पोजीशन बहुत अच्छी हुई है और ये आवरी माता की देन है जो इसके हाथ और पैर चलने लगे हैं। बाकी डॉक्टरों ने सब हाथ खड़े कर दिए थे वहाँ पे कि कुछ नहीं होगा, घर पे लेके जाओ, डेथ हो गई। परंतु यहाँ आके हम बहुत खुशी है कि आवरी माता ने पूरी सहयोग करके मेरी मिसेज को खड़ी कर दी और आज चलने फिरने लायक बना दिए। ये तीसरा चक्कर है और मैं आशा करता हूँ कि आवरी माता मुझे जल्द से जल्द वापस बुलाए। लहरीलाल जैन, बॉम्बे से आया हूँ मैं। बॉम्बे किस जगह? बॉम्बे सांता क्रूज एयरपोर्ट पे।